पोकेमोन की एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि जब म्यूटू को बनाया जा रहा था तो वहाँ के साइंटिस्टों ने कुछ गड़बड़ कर दिया और तब म्यू का एक फेल्ड क्लोन इन्वेंट हो गया जिसको हम सब डिट्टो कहते हैं। अब ये थ्योरी कहीं ना कहीं सही है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो म्यू और डिट्टो में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, लाइक म्यू किसी भी पोकेमोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है एंड डिट्टो भी किसी भी पोकेमोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और डिट्टो को म्यू का फेल्ड क्लोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब म्यू किसी भी पोकेमोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो म्यू उसकी पावर गेन कर लेता है जो डिट्टो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। डिट्टो उस पोकेमोन के अंदर ट्रांसफॉर्म तो होता है लेकिन उसकी पावर गेन नहीं कर सकता। तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना।